एटा होचि मो घर मु जहा कहिबे सेया हबो तेणु मु दया करी हात जोड़ी आपनको अनुरोध करू जे आपण ए घर शीघ्र चली जाहंतु ठीक अछि एया जदि आपनकर इच्छा ताले मु एठो चली जाउछि सर किंतु गोटे कथा मन रखिबे आपण मते आपण को घर निश्चय बाहर कर दे पारिबे से अधिकार आपण कर अछि किंतु आपण मते नंदिनी को हृदय रु केबे भी बाहर कर पारिबे नै एमती मुझे यू चली जी कि मुं घर बाहर नंदिनी को अपेक्षा करी जो पर्यंत आपण आम दिज बाहर पर हाँ न करते से पर्यंत मुझे कड़े बचि बाबा तुम्हें बहुत बड़ भूल कर जा बाबा प्लीज तुम्हें मेरा सर को भीतर को डाके ना बाबा प्लीज मु तुमको हाथ तो जोड़ छे बाबा वो तू तो बाबा को किछि बुझा प्लीज बाबा को कहने से मेरा सर को भीतर को डाके आनिबे वो प्लीज घरमणि एबे आमो झियो आमो को सिकौची भूल कोटा आ ठीक कोटा ये बहुत बड़ भूल होची बारे बहुत जोर से ठंडा पड़ोची आउ एते राती रे बिरासन को बाहर एमिति ठिया करि दबटा ठीक होउनी मु भी तो बापा को विरुद्ध रे जाई पारिबेनी नंदिनी बाबा मु तुमको हाथ जोडुची तमे बिरासन को सम्मान न दियो पछे तांको एमिति अपमान दियोनी अपमान मु तांको दउनी घर अपमान से मते दउचंती मु कान तांको कहितले जे मो घर बाहर जाई ठिया हुआ एते नाटक काही करछन का जाने Thank you.
खाइबा बाड़ गरमणी राति बहुत हो गला नी मो बाड़ी सरलिनी आस बाबा बाबा प्लीज मो कथा टिके सुनो बाबा 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 मो कथा टिके सुनो बाबा अरे मो कथा टिके सुनबा पे चेष्टा करो बाबा नंदिनी चुपचाप बसी खा बसुनो तुम्हें मैंने जो पर्यंत विराज सर को घर भितर को न डाकी छ से पर्यंत मु खाइबा तो दूर कथा पानी टिके भी पीबिनि सर तुम्हें इतने रात रे अपन को बहुत जोर से ठंडा लगुच ना नहीं अपन नियंतु या को घड़े ही पड़ंतु नहीं, मु अपन को घोड़े देवे सर अपन तो एबे जे किछि खाई नहांती अंततः तो पानी टिके पी दियंतु की प्रहसन लगे चुनाती घर भितर कमला आनी बाहर को आसवा तोर कौन दरकार थिला बाबा बाहर बहुत ठंडा पड़ुची आउ सर जदि एमिति बाहर रहिबे ताले ताको देह खराब हे जीवो एते ठंडा रे बाहर रहिबे को मु तो का कहि दथिले एते प्रहसन कौन पाई अन्य को प्रभावित करिया पाई ए लोक देखाणिया गुण को मु घृणा करे
बाबा आउ हां ए गरीब लोकर कमल रे भी गोटे स्वाभिमान अछि आ ए स्वाभिमान को मु का पाद तले चापी बागु देबिने बाबा तमे कोन करछो चल भीतर चल बाबा चल परा कोछ बाबा को कथा सुन अरे चल बाबा चल चल कोछ बाबा बाबा प्लीज मो कथा ठीक सुनो बाबा प्लीज बाबा मो कथा ठीक सुनो मुझे कही ना मु मझे मझे आसिक आप देखा कर आज मोर आप कथा मन पड़ा से पल आसली मैडम आपण को देखिक लगुच किसी टेंशन रे अच्छा बोध मु ठीक कह हाँ आप टेंशन रे अच्छा मुझे थाउ आप टेंशन रे अच्छा एमती केमती हम ए सब मत ठीक लगुनि कौन है कहतु ते कौन लुचेबी माँ विराज आ नंदिनी बाहागर पे नंदिनी घर ए जाए गोटे भी फोन कॉल आसलानी कौन कहते आप गोटे फोन कॉल पे आपण को वेट कर कथार अच्छे ना हीरार मूल्य केवल जहुरी ही बुझे गोटे साधारण लोक नुह अरे मु बुझी पारुनी विराज सर को बाहबापाई झी मैंने मरुचंती गोटे इशारे झी मैंने गोटे लंबा लाइन लगे आपण को वेट कर शो कर विराज सर नंदिनी को न बाहर मरीजे बची पारे नहीं मैडम मत तो सब किसी ठीक लगुनि यटा तो अन्याय मैडम अन्याय तो छाड़ू यहाँ विराज सर गोटे अपमान आपण मान गोटे बेखातिर अरे सोनिया सोनिया मुझे जहाँ जहाँ कह केवल मो हरे हम से बाकी काम मोर बस कौन है ट्विंकल तू हटात एमती चुप हो गलु जे मैडम एमती देखा गले मुर कहीं नुह सो ये घर मैटर मोर कि कहटा ठीक हमें किंतु आपत जेहेतु पचार बाध्य कौच मैडम मनीष गोटे एमतीया जीवन जहाँ को आज जिते प्रश्रय देते से मुंडर चढ़ मत लगुच विराज सर और नंदिनी बाहागर को लेकिन आपना आउ थरे टिके चिंता कले भल हाँ हाँ मम्मी ट्विंकल एकदम ठीक कथा कहते जो लोग माने सामान्य गोटे कॉल करिवार मैनर सीखी ना से गुरुत्व दबा आपण को किछ भी दरकार नहीं कथा गुरुत्व दबा आ न दबा परे नाही सोनिया कथाटा हूँ विराज नंदिनी को भल पाए आए बाहा चाहे कौन आपण आपण मान सम्मान सब को बड़ी पकईदे से तो नुह ना मैडम मत तो आप कष्ट लगुच जदि सामान्य गोटे फोन कॉल पाए से आपत वेट कराने आग को तो कौन कौन दिन देखा पड़ो बाहागर न हो तो ये समस्या आसलानी
ଆଉ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ବାହାଘର ପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପାହାଡ଼ ଠିଆ କରିଦେବେ। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ଏ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ନହଉ ଯେ ଏତେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ପଛତେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁ। ଜିଦି ଛାଡ଼େ ନନ୍ଦିନୀ, ଖାଇବୁ ଚାଲ। ବୋ ବାପା ଯଦି ଏଇ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଜିଦ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଝିଅ। ମୁଁ କହିଛି ନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେମାନେ ବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ନ ଡାକିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଁ ପାଣି ଟୋପେ ବି ପିଇବିନି। ଦେଖ ନନ୍ଦିନୀ, ଅଯଥାରେ ତୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କର ନା। ବାସ ବୋ, ଏବେ ତୁ କହ, ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ବି କରୁଛି ତମକୁ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଅଯଥା ଲାଗୁଛି? କହ ବୋ, ତୁ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛୁ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଭୁଲ କରୁଛି, ଭୁଲ କରୁଛି ମୁଁ? ଯଦି ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ଭୁଲ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। କହ, ବାସ ତୋର ଏଇ ନିରବତା ହିଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ବୋଉ, ଜୀବନରେ ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ତା କେବଳ ବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଛି। ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲି କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ସିଏ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସେ କେତେ ମହାନ। ବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବୋ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋ ପ୍ରେମ, ମୋ ଭଲ ପାଇବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅଯଥା ଆଉ ବେକାର ଲାଗିଥାଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ବାସ ନନ୍ଦିନୀ, ବାସ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୋର ଏଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରେମ, ଇଏ ଭଲ ପାଇବା, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ବୋଉ,
बस तू भी जाए खाइन ना विरासर भी तो उपास चंती ना वो ने तू खाई दे मो भलो पाए बापे मु आउ का को उपास रखबा मैं चाहूनी बाबा बो सोई पड़ी चंते मु जाउची विराट सर को पई खाइबा नै जिवे Thank you.